बाबा ने कोहली फाइनल की पर्ची अभी तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। आपको बता दें कि इंडिया और न्यूजीलैंड मैच से पहले ही बाबा ने बता दिया था कि इंडिया 2019 का बदला लेगी और टीम इंडिया ही जीतेगी। इस पर किसी को भी भरोसा नहीं बैठ रहा था, पर मैच भारत जीतने के बाद सब लोग हैरान हो गए। अभी भी बाबा को पूछा गया कि फाइनल में कौन जीतेगा, तो जानिए बाबा का जवाब। वर्ल्ड कप 2023 सेमीफाइनल को लेकर बाबा की भविष्यवाणी सच, कौन बनेगा चैंपियन इंडिया या ऑस्ट्रेलिया जाने दावा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच में प्रवेश कर चुकी है। इस बात की पुष्टि वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को लेकर भविष्यवक्ता महर्षि दत्तराजन जी महाराज ने आज से 3 महीने पहले ही कर दी थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा। बाबा की भविष्यवाणी कारगर साबित हुई। बाबा ने इससे पहले भी क्रिकेट के लिए भविष्यवाणी कर चुके है। उन्होंने कहा था कि विराट कोहली अपने बर्थडे के दिन शतक लगाएंगे और इसी वर्ल्ड कप में क्रिकेट की नई कीर्तिमान इतिहास रचेंगे और टीम इंडिया फाइनल में जीत कर तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप का तब अपने नाम करेगी। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन पूरी टीम 212 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने धमाकेदार शुरुआत की। डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने बीच पहले विकेट के लिए 60 रनों की भागीदारी से यह मैच 3 विकेट से जीतकर फाइनल का टिकट कटा लिया है। ऑस्ट्रेलिया की 8वीं बार होगी फाइनल में एंट्री। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को मिली जीत से वह 8वीं बार अब फाइनल में खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है, जहां 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में उनका सामना टीम इंडिया से होगा। साल 2003 साउथ अफ्रीका में खेले गए वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर दोनों टीम फाइनल में टकराएंगी। उनका दावा है कि भारत को हांसबर्ग में 20 साल पुरानी किताबी हार का बदला अहमदाबाद में चुकता करेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।